हमारे दादा, परदादा या फिर हम सब इसी गांव से कहीं बाहर गए हैं और सबकी एक कहानी है और ये कहानी कृष्णमूर्ति के घर से शुरू होती है। कृष्णमूर्ति के दादाजी ने इस घर को बनाया था और तब ये एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। वक्त गुजरता गया और जॉइंट फैमिली धीरे धीरे अलग हो गई और यही हैं कृष्णमूर्ति के बच्चे। पढ़ाई लिखाई करके विदेशों में जा बसे हैं और अब इस घर में रहते हैं कृष्णमूर्ति और उनकी धर्मपत्नी जानकी जी। सुनिए जी, कॉफी लीजिए। उधर रख दो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइए, नहीं तो कहेंगे कि ठंडी हो गई। ये लो, दूध डाल के बनाना। सुनिए, बोलो। त्योहार शुरू होने में 20 ही दिन बाकी है। 20 दिन के बाद त्योहार भी चला जाएगा। धे 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 धिन धृकटे धा 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 धृकटी धी धा। इस संक्रांति में तो कम से कम बच्चों को आने के लिए कहिए ना। काम करती हूँ तब भी ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास हैं। उन सब की बहुत याद आती है जी, नींद भी नहीं आती ठीक से। कब तक इसी तरह दुखी रहूंगी? उन लोगों को बुला लीजिए। ये केले का पेड़ ऐसा क्यों है? मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। अरे उसे बुलाना जरा, मैं पूछता हूँ। ये क्या है? मैं आपसे बच्चों की बात कर रही हूँ और आप इन पौधों की बातें कर रहे हैं। बच्चों से अच्छे ये पौधे ही है, आंखों के सामने रहते हैं, जो चाहिए वो देते हैं। वो देखो सामने, 2 महीने पहले लगाए और फल देना भी शुरू कर दिया। और हमारे बच्चे, हम मिलना चाहते हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते। लेकिन वो वहाँ बहुत बिजी भी तो रहते हैं। वो जितने भी बिजी हो उनको बिजी रहने दो। देखो यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं बस। हाँ पता है, जब से शादी हुई है तब से मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। अब ये बताइए, आप उन्हें बुलाएंगे या नहीं? 10 बार क्यों बुलाएं, वो हमारे मेहमान नहीं है, हमारे बच्चे हैं। कितने सालों से बुला रहे हैं और बुलाते ही जा रहे हैं। आए वो लोग, अब मैं नहीं बुला सकता। ठीक है, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं ही उनके पास चली जाती हूँ। तो मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? है ना, आपके पौधे, आपके खेत और गांव के इतने सारे लोग भी तो हैं, आप अकेले कहाँ हैं? ये क्या बात कर रही हो तुम? उनके लिए तुम मुझे छोड़ दोगी? क्यों, शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ नहीं आई थी? तब मुझे लगा था कि आपके अलावा कोई नहीं, पर अब मुझे अपने बच्चों की जरूरत है। अगर आपने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, याद रखना। बनवारी, ओ बनवारी। इनका नाम है बनवारी लाल, पर गांव के लोग इन्हें गड़बड़ी लाल कहते हैं। आ रहा हूँ भाभी जी। अरे ये सीढ़ी यहाँ पर कैसे? अरे साहब जी, देख के नहीं चल सकते क्या? गड़बड़ आप करते हो और हाथ पैर मेरे टूट जाते हैं। अरे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, जरा अपना काम करो। ज्यादा लगी क्या? लगेगी नहीं क्या? भाभी जी आपने बुलाया था मुझे? मुझे बच्चों के पास जाना है, तुम तुरंत जाओ। ठीक और है? कहाँ जा रहे हो? आप ही ने जाने को कहा। पूरी बात नहीं सुनोगे ना, मुझे बच्चों के पास जाना है, तुम जाओ और जाकर प्लेन की टिकट ले आओ। आप भी किसको बोल रही हैं? ये बस की टिकट नहीं खरीद सकते हैं, प्लेन की टिकट क्या लाएंगे? बोलो मत। वैसे आपको इतना जल्दी जाने की जरूरत क्या है? ये तो बच्चों को नहीं बुला रहे, तो सोचा कि मैं ही त्योहार पर उनके पास चली जाऊं। अगर आपको जाना ही है तो भाई साहब आपको भेजेंगे ना। क्यों, अगर वो नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं जा सकती क्या? भारती, भारती क्या हुआ जी? पिताजी ने मेल किया है। सो व्हाट, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं?
मैटर इज वेरी सीरियस। हेलो। हेलो पिताजी, मैं रवि। बोलो बेटा। मैंने आपका मेल देखा है, मैं एक बार आपसे बात करना चाह रहा था। फोन पर एक दूसरे से सिर्फ बात ही कर सकते हैं, पर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तेरे पास आने के लिए टाइम है कि नहीं? हाँ ठीक है पिताजी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। बड़ा बेटा संक्रांति पर आ रहा है। भाभी जी, रवि बाबू आ रहे हैं, आपका अमेरिका ट्रिप कैंसिल। और कनाडा वाला? See, I don't want to lose a single penny in my business. Understand? Except the money. Everything is secondary to me. If you have any problem, please leave my company. That's it. What happened, darling? Nothing, yaar. Bas thoda disturb hu main. हाँ भैया बोलिए। हाँ कल्याण, तेरे पास पिताजी का मेल आया? हाँ आया। इनको क्या हो गया? इस एज में ऐसे डिसीजन क्यों? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो पापा। हाँ कल्याण बोलो, कैसे हो? मैं बहुत जल्द इंडिया आ रहा हूँ। ठीक है, क्या है? छोटा बेटा भी आ रहा है। भाभी जी, आपका कनाडा ट्रिप भी कैंसिल। हाँ बनवारी, अब बस ऑस्ट्रेलिया वाली रह गई है। किशोर, किशोर। हाँ बोलो। हमें नेक्स्ट वीक इंडिया जाना होगा, जल्दी से टिकट्स बुक कर लो। एनी प्रॉब्लम? पापा मम्मी को डिवोर्स दे रहे हैं। व्हाट? यस, पापा मम्मी से तलाक लेना चाहते हैं। इस उम्र में तलाक क्यों ले रहे? आई डोंट नो, पिताजी ने डिसाइड कर लिया है और कहा है कि मम्मी को ले जाओ वरना वो उसे ओल्ड एज होम में रखेंगे, ऐसा मेल किया उन्होंने मुझे। अगर उनसे एक बार फोन पे बात करे तो? मेरे पापा को सामने बैठकर मनाना मुश्किल है, फोन पे बात करना तो वेस्ट है। नो चांस, हमें जाना ही होगा। नित्या भी साथ चलेगी ना? नित्या, गेट अप, गेट अप, गेट अप। क्या मम्मी? हम लोग नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं। इंडिया क्यों? तुम्हारे नाना और नानी से मिलने? नहीं मम्मी, आई हैव सम प्रोजेक्ट वर्क। नथिंग डूइंग, आइदर यू फिनिश्ड इट और पोस्टपोन्ड इट, वी आर गोइंग। ओके? ओके मम्मी, बट वन कंडीशन, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर आई विल रिटर्न इमीडिएटली। ओके। आप सबका हम स्वागत करती हूँ धनुर्वस के त्योहार पर। आप सबका हम स्वागत। क्या ये? अरे धनुर्वास नहीं, धनुर महोत्सव बोलो। पत्रकार बन गई हो, हिंदी ठीक से नहीं बोलती। अरे चिंता क्यों करती है, बोलता है ना सही। हाँ। क्या हुआ, तू श्रीदेवी पर भड़क क्यों रहा है? एक भी डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाती है। कमाल करता है, ये डायलॉग सही से बोलती तो किसी टीवी सीरियल या फिल्म की हीरोइन होती। ये और हीरोइन? अरे सुन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा क्या? तूने केबल का पैसा नहीं भरा और लाइव टेलीकास्ट देखेगा? क्यों रे, सेकंड कनेक्शन का पैसा कब भरेगा? सेकंड कनेक्शन मतलब? तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पति ने सेकंड कनेक्शन लगा के रखा हुआ है। अरे पागल, इसकी दुकान में जो सेकंड कनेक्शन लगा है उसकी बात कर रहा है तू? इसकी बात पे ध्यान मत दे, चल जा। अबे क्या मरवाएगा, वो मेरी बीवी है। अच्छा वो सब छोड़, अगर तूने आज पैसे नहीं दिए ना, लाइव टेलीकास्ट तेरी बीवी को दिखा दूंगा। अरे रात होने से पहले दे दूंगा, चल जा। हाँ दे देना, बड़ा आया, लाइव टेलीकास्ट देखेगा। डायलॉग याद आया, याद आया। अरे तू अपने डायलॉग को छोड़। डायलॉग मेरा जान। डायलॉग कैसी की तैसी, उधर बड़े साहब आ रहे, जल्दी चलो। नमस्कार। नमस्ते। आपकी दया से ये त्योहार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ये गलत है, मेरा क्या है इसमें, भगवान की दया रहती है तो सब लोग यहीं रहते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ जो भी होता है वो खुद करवा लेते हैं। राजू कहाँ है? मंदिर में, बुलाओ क्या। हाँ। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभारंगम। अरे यार तू यहाँ पर है, मैं तुझे वहाँ ढूंढ रहा था। लेकिन क्यों? भगवान कृष्ण भी बहुत ग्रेट हैं। अच्छा वो कैसे? नहीं पता, भगवान कृष्ण के पास 1600 गर्लफ्रेंड थी, उनको संभालना कितनी बड़ी बात है। तेरा लफड़ा क्या है बोल। अरे इतने दिन से ट्राई मार रहा हूँ, पद्मा मेरे से इंप्रेस ही नहीं होती है। लड़कियों को इंप्रेस करके कुछ नहीं होगा, वो इंप्रेस होगी तभी कुछ होगा। भाई लगता है वो इंप्रेस हो गई, अंजलि तेरे को ही देख रही है। अरे देखने से क्या होता है, हंसी तो फिर फंसी। भाई भाई वो तो हंस रही है। फिर तो प्रॉब्लम है भाई।
इधर आ। क्या बात है अंजलि, बड़ी शर्मा रही है? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना। मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, 90,000 सैलरी है, पता है? वेरी गुड, कांग्रेट्स। पर घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम हाँ कहो तो। हाँ बोल तो सकता हूँ, पर अभी जो नौकरी मिली है उससे अभी रिजाइन दे दो तो अच्छा नहीं रहेगा ना। मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगी। तो फिर तुम मेरे साथ हैदराबाद आ जाना। अच्छा, इस गांव को छोड़कर मैं तेरे साथ आऊँ? चांस ही नहीं है। कभी कभी भगवान की सेवा, कभी कभी बड़े पापा की सेवा, बस मेरी जिंदगी तो यही है। क्यों रे? सही बोला भाई। पापा बुला रहे तुम्हें। हाँ आ रहा हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं हैदराबाद। निकम्मे। हाँ बड़े पापा। राजू। हाँ। खर्च के लिए इन्हें कुछ पैसे चाहिए, जितना मांगे उतना दे देना आप लोग। अच्छा अच्छा सुनो, कितने चाहिए? खाने की महक तो इतनी अच्छी आ रही है कि लगता है बड़ी माँ खिला खिला कर ही मारेगी। सुन पार्वती जी, इसे अच्छे से बांधना और चींटी न लग पाए इसलिए छींके पर टांग देना, ठीक है? अरे बड़ी माँ, इतना सब कुछ, मिठाई की दुकान खोलने का इरादा है क्या? चुप कर पागल। तेरे दोनों भाई, मुंह बोली बहन, सब लोग इतने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं बहुत थक गया हूँ, एक कॉफी बना दो ना। यहीं खड़ा रहे और देख के चींटी न लगे, मैं भी आती हूँ। आहा, तिरुपति का लड्डू, अन्नपूर्णा जी का प्रसाद और आपके हाथ की कॉफी, तीनों का जवाब ही नहीं। हे राजू, इधर आ। हाँ बड़े पापा। शांति ने फोन किया था, कल वो लोग आ रहे हैं, राजमंडी जाकर उन्हें ले आना। ठीक है बड़े पापा। शांति भी कल आ रही है, बहुत सारा काम है हमारे पास। हाँ। ये बाद में। चलो। सुन बेटा, उठना। उठना। क्या हुआ बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटा, शांति जिस प्लेन से आ रही है वो अभी कहाँ पहुंची होगी? बस हो तो कौन सा गांव है पूछ सकते हैं, ट्रेन हो तो कौन सा स्टेशन है बोल सकते हैं, लेकिन प्लेन, प्लेन कहाँ तक आया कैसे पूछ सकते हैं? इतना तो पता नहीं बड़ी माँ, लेकिन कल वो राजमंडी जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? अभी जाओ सो जाओ प्लीज। राजू। ए राजू। लगता है ये घड़ी ना बहुत स्लो चल रही है। शायद सेल डाउन हो गया है। सब लोग आने वाले हैं ना, घड़ी जो है वो अपने आप स्लो नहीं हो जाएगी, वो जैसे घूम रही थी वैसे ही घूम रही है। आपने इतने साल वेट किया है, कुछ घंटे और वेट नहीं कर सकती? पहले तो वो आएंगे या नहीं ये बात थी, कितने भी साल इंतजार कर सकती थी, पर जब से पता चला है वो आ रहे हैं तब से एक एक पल भी युगों जैसे लग रहा है। वो आ जाएंगे, आप जाके सो जाओ। अरे उठ, शांति के आने का वक्त हो गया है, जल्दी उठ, चल उठ, तेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, जल्दी तैयार हो जा और उन्हें लेकर आ।
मैं चला सफर पे मैं तो चला, सुबह का सूरज है निकला, जादू कुदरत का चारों तरफ है फैला, खेतों का मंजर है ये खिला, पर्वतों पर बादल का मेला, कितना प्यारा लगे अंबर ये नीला, यहाँ आ जाए जो यही का हो जाए वो, देखो ये स्वर्ग से भी है प्यारा, सब है ये कुदरत की जादूगरी। क्या है खूब नजारा, मौसम कितना प्यारा, सुबह का सुंदर ये है नजारा, लौट के कोई आया, घर वो वापस आया, नई खुशियाँ साथ में वो यही है वो खेत खलिहान, यही है वो हरियाली, यही है वो गांव अपना, यही है वो खुशहाली, यही करते थे हम पूजा, यही पाया प्यार पिता का, याद आ रहा है बचपन का, साथी अपना क्या पता था, फिर मिलेगा देखने को मंजर वो पुराना, सखियों का वो मेला, सावन का वो झूला, जो सखियों के साथ में है झूला, आँखों में चोली का खेला, मस्तियों का रेला, यहाँ सुनहरी यादों का, खुशियों के यह मौसम, खुशनुमा ये नजारे, यहाँ के खुश है हम, पल कितने है प्यारे, है प्यार यहाँ की भाषा, सब बोले मीठी भाषा, ना होगी सारे वो बोले ऐसी सीधी सच्ची सी भाषा, आके यहाँ पे देखो धरती स्वर्ग सी देखो, रंग बिरंगा गाँव ये देखो, संस्कार ये देखो, सच्चा प्यार ये देखो, अतिथि देवो भव ये देखो, भाई अगर त्योहार के दिन मुर्गों की फाइट का लाइव टेलीकास्ट करें तो कैसा रहेगा? बस वो रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ेगी, फालतू आइडिया मत दे। अरे सुन हा? ये तो अपना बद्री है ना? हाँ वही है। ए बद्री इधर आ, वैसे ही का वैसा काला है ये। क्या रे अपने गांव जा रहा है? अब हमेशा के लिए उधर ही रहूंगा। तुझे बोला था शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ पे कर ले, और तेरी शहरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो पहले की बात थी, ए टीवी सीरियल में जो होता है उस पे यकीन कर लेना, पर कंप्यूटर की दोस्ती पे यकीन मत करना, पहले देखती है फिर मुस्कुराती है फिर खर्चा करवाती है, उनके ऊपर खर्च कर करके मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए गांव छोड़ के जा रहा हूँ। और तेरी गर्लफ्रेंड? अरे काहे की गर्लफ्रेंड, अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाती है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक मेरी छाती पे मूंग दलती है। ए शुरू में ना मेरे गाँव का पिन कोड नंबर मांगा, मैंने उसको दे दिया, उसके बाद ATM का पिन कोड मांगा, कहीं उसे बुरा ना लगे सोच के दे दिया, उसके बाद वो स्वाइप पे स्वाइप किए जा रही है यार। इसलिए कहते हैं अपनों पर भरोसा करो गैरों पर नहीं। जैसे दूसरों को सेट किया मुझे भी कर दो ना यार। फेस्टिवल हो जाने दे, बाद में देखते हैं। नारियल रेडी? माँ कसम आज तू एकदम नारियल बेचने वाला लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है।
ये रखकर हमको राजमंडी जाना है, याद है तेरे को? राजमंडी क्यों? भूल गया तू? मेरे लिए लड़की देखने जाना है इसलिए राजमंडी जाकर शॉपिंग करने की बात हुई थी ना, कहीं रिश्तेदारों में तू बिजी तो नहीं हो गया? अरे रिश्तेदार आसमान के पंछी की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्त आकाश की तरह होते हैं जो हरदम हमारे साथ रहते हैं। चलो चलते हैं। राजू कितनी देर में आएगा तू? अरे अभी अंदर गया और अभी आया। दादाजी दादाजी ये देखिए फोटो। ये क्या है? फोटोज। ये कौन है? कैटी रिचा। अरे बाबा नारियल लेकर आ गया हूँ, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अब तू एक काम कर, वो नित्या को अपना गांव खेती बाड़ी देखना है, जाके दिखा दे। ठीक है बड़े पापा। सुन ताकत के लिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? वो अंदर राजू के साथ राजमंडी जा रहे हैं, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। ओहो मैं नहीं आ रहा हूँ यार। एक काम करो, तुम लोग जाकर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। बेटा मेरे लिए तुम अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तो आए हुए ही हैं, उन्हीं के साथ चले जाओ। दोस्त क्या है फूफा जी, पेड़ के पत्तों की तरह होते हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। लेकिन रिश्तेदार वो तो पेड़ हैं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग जाओ ना। आइए फूफा जी आओ। लगता है दादाजी ने कुछ काम बता दिया होगा, राजमंडी बाद में जाएंगे, चल अभी चलते हैं। Nice painting. इसे पेंटिंग नहीं कहते, रंगोली बोलते हैं। रंगोली? हाँ। ओके। ए सुबो। सुबो, ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू मुझे ही सीखना है। सुबो नित्या को तुम रंगोली बनाना सिखाओगी? तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा तू कुछ भी सिखा देगी? तुझे पता है ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है, सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। अरे बेटा कैसे हो, ये लड़की कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ओ ऑस्ट्रेलिया वाली, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, मुंह मीठा कब करवा रहे हो? मुंह मीठा मतलब? मुंह मीठा मतलब खीर खानी है। ओ मतलब खीर, दादी आपको खीर खानी है? जी हाँ मैं लाऊंगी। चलो चलते हैं। और चाचा जी इस बार खेती अच्छी हुई ना? हाँ बेटा। बड़े पापा याद कर रहे थे, जरा मिल लेना। ठीक है बेटा मिल लूंगा। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। नहीं लेकिन तुम सबको अंकल आंटी कह रहे हो। बड़ों को नाम से कैसे पुकार सकते हैं, रिश्ते से पुकारोगे तो रिश्ते बन जाते हैं। गाँव में हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलेशंस और इमोशंस ज्यादा हैं। Very nice. अरे यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ली। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। रियली? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती है। पढ़ा आर्ट तक है लेकिन दिमाग इंजीनियर वाला। Really? That's great. I never expected that from him. You're really talented, Raju. Oh, sorry. आप English नहीं समझते ना? What you said about Raju is absolutely right. He has amazing talent. His inventions are useful to every villager. You know English? I did my masters from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। इसीने मुझसे कहा तू शहर में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है, और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ। इसका क्रेडिट जाता है राजू को, सच कहूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। चले हाँ बाय, बाद में मिलते हैं। नित्या ये कैमरा दो, अब चलो। हाँ आओ राजू, हाउ कुड आई कम? कैटवॉक पता है ना? I know. वैसे ही करते हुए आ जाओ। अरे आओ कुछ नहीं होगा।
I made it. हम लोग जब यूरोप टूर के लिए गए थे ना, ये तब की फोटो है। रानीमा रानीमा, वो आपका फेसबुक अकाउंट है क्या? ये कौन सा अकाउंट है? ओ गॉड, फेसबुक क्या होता है ये आपको नहीं पता नानीमा? टू बैड। बेटा नानी से बात नहीं करते। यहाँ एक मिनट नानी, मेरी फ्रेंड का फोन है। हाय शाइनी, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या आई एम फाइन। Are you comfortable there? The climate is a bit harsh, but everything is fine. Okay. Wait a minute. I'll show you my grandma. Hi, boli nani. Hi. Nani ma. Hi, nahi. Hi. Hi. Hi, grandma. I'll introduce my grandfather, okay? Nanaji, Nanaji. My friend, Shiny. Hi, grandpa. थैंक यू, बाय, आई कैच यू लेटर। अब खिलाइए नानी। शांति, लगता है हम लोग यूं ही चले आए। यहां तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। मम्मी तो यहाँ पे खुश है और पापा जी भी यहाँ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पता करो। मैं माँ से बात करके देखती हूँ। What are you doing? दूध दूह रहा हूँ मैं। पियोगे? एकदम ताजा ताजा है। No 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 no। अरे रुको रुको, थोड़ा पीकर देखो तो भाई। क्या दे रहे हो तुम्हें? मिल्क। अरे तो पी लो। एकदम ताजा दूध है ये बेटा। दूध नहीं पीऊंगा, डब्बे वाला दूध पीऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आई, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ओए, इसी दूध को वो लोग बाद में पैकेट में डालकर बेचते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। या मत नहीं पी, नालायक कहीं का। He's funny. मम्मी, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं। असल में हुआ क्या है? बड़ी माँ, कॉफी दे दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले इन सबको तोड़ दे तू। क्या कहा? ये सब मैं करूंगा? क्यों, नहीं तोड़ेगा? तोड़ता हूँ, कॉफी कहाँ है? देती हूँ तुझे। शांति, दो दिन में तेरे भाई आ रहे हैं। तू ना अपना गुस्सा और ईगो कम करके उनसे बात कर लेना। आप मुझसे कह रही हैं? उनके फ्रेंड को मैंने शादी के लिए मना किया और मेरी पसंद के लड़के से मैंने शादी की, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते। और आप मुझसे कह रही हैं? कभी उनसे भी कहिए। ठीक है, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ सुनती है। अच्छा सुन, एक बात ध्यान रखना, उन दोनों से झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग राजू। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? हरीठा तोड़ रहा हूँ। मतलब? सो मेनी इयर्स बैक, नो शैम्पू। That time, इस रीठा से ही शैम्पू बनाते थे। Really? Yes. मैं तोड़ना चाहती हूँ। अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रख के ऐसे पकड़ो और मारो। अब इसे मारो। अरे बाप रे, तोड़ दिया। क्या हुआ राजू, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं कुछ नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे ये मैं देखना चाहता था। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हम लोग कितना घबरा गए थे पता है? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़े पापा। हाँ चलो यहाँ से। अरे बाप रे, चल रहा है। अरे इट्स ब्लीडिंग। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा। अरे दर्द हो रहा है तो बताना चाहिए था ना। अगर खुशी हो तो 10 लोगों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन दुख को बांटकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तुमने देखा ना, थोड़ा चिल्लाया तो सब लोग आ गए। अगर ये देख लेते तो बवाल ही हो जाता। तू राजू को बुलाकर ला, मैं तब तक सिगरेट फूंक लेता हूँ। अरे सिगरेट छोड़ दे यार। अरे लास्ट पफ में किक मिलती है मुझे, सिगरेट पिएगा तो पता चलेगा। छोड़ दे यार। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू जाकर राजू को बुलाकर ला। मत छोड़, मैं जा रहा हूँ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है बंठन के? लड़की देखने जा रहा हूँ मैं।
लड़की देखने? हाँ। तो फिर जा, यहाँ क्या कर रहा है? मैं जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। वो मुझे भी मालूम है, जल्दी जा नहीं तो भाग जाएगी। लड़की कहीं नहीं भाग सकती, और भाग भी गई तो मैं उसे खोज निकालूंगा दादा ठाकुर। राजू। नमस्ते। हाँ बड़े पापा। बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है बड़े पापा। इसे बर्नौल दे देना। बर्नौल किस लिए यार? अरे जल गया हूँ यार। किस्मत अच्छी जो दूसरी जगह जली, एक दो इंच इधर उधर होती तो किस्मत जल जाती। अरे वो बाद में सोचेंगे, अभी चलें क्या? चल, नित्या को भी चलना है तो उसे ले लेते। ओके। लड़की देखने जा रहे हैं या शादी करने, ये सब की क्या जरूरत थी यार? लड़की सोनू भाई देखने जा रहा है, इसीलिए पूरी बारात को साथ लेकर जा रहा है। सुन बे, एंट्री से एग्जिट तक सब कुछ शूट होना चाहिए। आइया फिकर मत करो, आपकी फर्स्ट नाइट भी शूट कर दूंगा मैं। गधे, कोई फर्स्ट नाइट भी शूट करवाता है क्या? लड़की देखने जाने के लिए भी कैमरा नहीं चाहिए। हाय, आई एम नित्या, ग्रूम्स फ्रेंड। आजा आजा, कितना प्यारा बच्चा है। क्या बात है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे एक्सप्रेशन की पड़ी है। फोटोग्राफी में हर चीज शूट होनी चाहिए, समझ गया ना? बेटा मेरी बेटी से कोई बात करनी है क्या? अरे क्या बात करनी है, शादी करवा दीजिए बस। मुझे बात करनी है, आप अंदर चलिए। अरे जाना। पिताजी मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। आप लड़की ने मना क्यों कर दिया? मना करना था कर दिया। अरे कर दिया लेकिन क्यों किया? इसके चेहरे से लग रहा है ये मन ही मन में खुद को कोस रहा है। हाँ, कोस तो रहा कोस है। रहा है मतलब? मतलब अरे चुप रहो सब। क्या हुआ तू ही बता देना। जो भी हुआ मस्त हुआ। अरे सुन, बचपन से अब तक के तेरे सारे वीडियो मैंने इसमें शूट किए हुए हैं। जब तू बेडरूम में गया था वो भी शूट कर लिया। अबे तूने बेडरूम का भी शूट कर लिया? अरे तूने तो कहा था कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। पर दरवाजा तो बंद था। अरे पर खिड़की तो खुली थी ना। ये देखो एडिट करके कमाल का सीन बनाया। सुनिए जी, सब लोग बाहर हैं। आप वहाँ क्यों खड़े हैं, थोड़ा नजदीक आइए ना। और नजदीक। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मैं नहीं शर्मा रही तो तुम क्यों, आओ ना। अरे ये सेल्फी क्यों ली? ये फोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगी। वो क्यों? अरे यार हमारी शादी होने के बाद फ्रेंड्स के घर पे पब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो सबको बोलना चाहिए ना कि हमारी जोड़ी अच्छी है। क्यों नहीं बोलेंगे? गारंटी से बोलेंगे। गारंटी से काम नहीं चलेगा। हा? मुझे वोटिंग चाहिए। देखो भाई इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अरे यार तू जो अपनी ईमानदारी निभा रहा, जरा इसकी हालत भी तो देख। ऐसा लग रहा रो रो के मर जाएगा ये। रोने की क्या जरूरत है, इसे तो खुश होना चाहिए। बात तो तेरी सही है, तेरी शादी होने से पहले वो फोटो उसने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे यार पति सिलेक्ट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन की क्या जरूरत है, कुछ भी। तू ठीक कहता है यार, चल। हे, वो मटके पेड़ पर क्यों बंधे हैं? अरे वो तो ताड़ी है। हाँ करेक्ट। ताड़ी मतलब? ताड़ी बोले तो हाँ, ट्री मिल्क। ट्री मिल्क? मैंने काउ मिल्क और बफलो मिल्क तो सुना है, ये ट्री मिल्क क्या है? एडल्ट मिल्क। एकदम सही। एडल्ट मिल्क। हाँ करेक्ट। राजू मुझे ये देखना है, कम लेट्स गो, कम शो मी। ठीक है चलो दिखाता हूँ। राजू ये भी तुमने ही बनाई है ना? हाँ, ताड़ी उतारने में आसानी होती है इसलिए। Oh my God, this is awesome! I can't believe this. अब खुश हो ना? Hey, thank you so much. राजू, क्या हुआ सुबू? सीधे घर पर आकर मेरे बेटे को बुला रही हो? राजू ने मुझे बुलाया है। वो क्यों? मुझे रंगोली सिखानी है। रंगोली सिखाने के लिए बुलाया? सुबू,
व्हाट्सएप तुमने सुब्बू को बुलाया क्या? हाँ बुलाया, नित्या को रंगोली सीखनी है ना इसलिए बुलाया। अरे तो रंगोली सिखाने के लिए भाभी है ना घर में? वो तो मैं सही पूछा राजू। तेरे घर में तेरी माँ तो है ही और इसकी माँ भी है, साथ में नानी भी है। जब इतनी औरतें हैं तो मेरी मंगेतर को क्यों बुलाया? ये दोनों हम उम्र है ना तो दोनों में अच्छी जमेगी इसलिए। एकदम सही कहा। एक मिनट जरा, क्या हुआ पापा? भैया आने वाले ना, तुम मेरे साथ चलो। चलो ना। अरे ओ बीपी इधर आ। कहाँ जा रहा था? मेरी मंगेतर रंगोली कैसे बनाती है लाइव देखना चाहता हूँ। चुपचाप सच बोल। वो क्या है, वो मेरी होने वाली बीवी है और वहाँ पे राजू है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे ऐसा कुछ भी मत सोच, राजू बहुत अच्छा है। अरे मैं जानता हूँ, मंदिर जाने पे चप्पल चोरी हो जाती है ना, इसलिए रखवाली करने जा रहा हूँ। हाँ ये बात तो सही है, सुबह वैसे है भी ऐसी। तू जा। तू भी आएगा? नहीं तू जा। देखो कलर लेके ऐसे लंबी लाइन बनानी चाहिए, लंबी। ए शांति, इसे देखती हूँ ना तो मुझे तेरा बचपना याद आ जाता है। ए सुबलक्ष्मी, जैसे इसे रंगोली बनाना सिखा रही है वैसे ही गोबर पूजा भी सिखा देना, संक्रांति से पहले इसे सब कुछ आ जाना चाहिए। सिखा दूंगी। व्हाट इज संक्रांति? रंगोली रंगोली प्यारी सजी है रंगोली, आए लक्ष्मी उस घर में जिसमें बनी हो रंगोली। लाती है खुशियों की बेला घर में सजिए रंगोली, घर में सजिए रंगोली। झूमो यहाँ नाचो यहाँ, गाओ गीत रंगोली, गाओ गीत रंगोली। रंगोली रंगोली प्यारी सजी है रंगोली, आए लक्ष्मी उस घर में जिसमें बनी हो रंगोली। सिद्धू आता तो अच्छा होता। अच्छा तेरा रूम उस तरफ है, सुन बेटा तू अपने रूम में चला जा। ठीक है माँ, काम काम। सारे बच्चों के आने की खुशी आपके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। भाई साहब ने कोशिश की और सब लोग यहाँ आ गए। आज तक मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने सब कुछ दिया है, मेरा कहना वो कभी नहीं डालते, तो ये बात कैसे ना मानते। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, किसी की नजर ना लगे। तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। सुना है तुमने कोई नई कंपनी खोली है? बहुत फायदेमंद कंपनी है पापा, और प्रॉफिट के बिना मैं कुछ भी नहीं करता। सफर करके थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। पापा बोल। आपने कोई मेल किया था? इतने साल मिलकर रहे और अब तलाक। तलाक का क्या मतलब है? जो पति पत्नी साथ रहते थे अब अलग अलग रहेंगे, बस यही ना? तुझे सत्यनारायणी का पता है ना? अभी वो बेंगलोर में अपने बेटे के साथ रहते हैं और उनकी वाइफ अपनी बेटी के साथ लंदन में रहती है। जिस उम्र में साथ रहना चाहिए उस उम्र में अलग अलग रह रहे हैं, नौबत तलाक तक आ गई है। अब आगे क्या होगा भगवान ही जाने। पापा पर। पर क्या? त्योहार के बाद मामला सुलझाओगे या अभी सुलझाओगे? एक्चुअली पापा मैं। तू रुक जा, त्योहार तक रुक जाते हैं। ठीक है, त्योहार के बाद बात करेंगे। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ क्या चाहिए? यहाँ पर कोई ट्रेड मिल है क्या? राइस मिल सुना है, ऑयल मिल सुना है, ट्रेड मिल क्या है? अरे वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं ना। अरे छोटे साहब। हाँ। पता नहीं है मैडम मुझसे क्या मांग रही है, आप ही पूछिए। क्या चाहिए? अरे एक्सरसाइज करने के लिए वो ट्रेडमिल या साइकिल वाइकल है ना, वही पूछ रही थी। साइकिलिंग? क्या साइकिलिंग है? अरे आपको तो एक्सरसाइज करनी है ना, इससे बेटर कुछ नहीं है। 5-10 मिनट करेंगी एकदम परफेक्ट हो जाओगी। हाँ 10 मिनट? हाँ। मुझसे नहीं होगा, पकड़ो। आराम से। थैंक्स। बेटा ये बायोस्कोप की तरह इसमें क्या देख रहे हो? इसमें से पानी कैसे आता है ये देख रहे हैं? जमीन में से आता है। हाउ इट विल कम फ्रॉम अंडरग्राउंड? दिखाता हूँ।
लाइक दिस पंपिंग कमिंग अंडरग्राउंड वाटर. फिर कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहा है? ओके ऐसे कंटिन्यू चलाएंगे तो वाटर कमिंग, अंडरस्टैंड? हाँ, और कुछ तो बेटा ये ले, तुझे लड्डू बहुत पसंद है ना, ये ले खा. खाते खाते भी फोन पर बात कर रहा है. खाना खा. माँ आपने इतना ज्यादा क्यों बनाया? हाँ. क्या भैया, ये आपको ज्यादा नजर आ रहा है? अभी आगे आगे देखते जाइए कि बड़ी माँ का क्या क्या प्लान है. निक्या, लाओ हाथ दो. क्या करती हो? जरा जूम कर. जूम करना, जूम करके निकाल. ठीक तो हो ना? क्या बात है. क्या कर रहे हो तुम लोग? फोटो खींच रहे हैं. डिलीट कर. फोटो खींच करके सेव करते हैं, डिलीट नहीं करते. वो क्या है, लड़की को यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो उसने फोटो खींची. हमको वो लड़की अच्छी लगी तो हमने उसकी फोटो खींच ली. कोई प्रॉब्लम? फोटो डिलीट करके नित्या को सॉरी बोल. सॉरी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं. और फोटो भी डिलीट नहीं करूंगा. क्या करेगा तू? अच्छा. अरे वाह, तू तो बिल्कुल हीरो की तरह डंडा उठा रहा है. तू बॉक्सर है क्या? देखो मैं तो डर गया. कुछ नया ट्राई कर भाई. भाई एक बात बता, हम पांच हैं और तू अकेला कैसे मारेगा? ये इसका गांव है ना, इसे लगता है सारे लोग इसका साथ देंगे. अगर ये मेरे गांव में आता ना तब हिम्मत देखता. तू मेरी हिम्मत मेरा गांव समझ रहा है? हाँ चल ठीक है. तेरा गांव यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है. तू अपने गाँव वालों को बुलाने के लिए आधा घंटा, टोटल हुआ 1 घंटा. अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे मैं तेरे गांव में आऊंगा, ठीक है ना? क्यों भाई, एनर्जी ड्रिंक पीना अभी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भाई, फर्स्ट नाइट और फाइटिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अरे क्या यार, दो बार में इतनी गर्मी में मीटिंग रखी है, 5 बजे के बाद रखता तो अच्छा होता ना. शाम में रखने के लिए कोई पार्टी नहीं है, फाइटिंग है. टाइम कितना हुआ? 12:05 हो गए भाई, 5 मिनट लेट हो चुका है. वो नहीं आने वाला है क्या? उसका इंतजार कर रहे हैं. अरे कोई एग्जाम देने आ रहा है, जो टाइम पर आएगा आता ही होगा. आखिर वो इधर से आएगा कि उधर से आएगा? अरे सिनू, वो तेरे घर पे आया है. क्या कहा? मेरे घर पर? आपने लड्डू बहुत ही अच्छे बनाए हैं, मेरी बड़ी माँ की तरह. यहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ क्या कर रहा है? चल उठ, चल उठ. माँ क्या बोला इसने? बाबा क्या बोला इसने? इसने जो भी बोला वो झूठ बोला. मैंने इस लड़की की कोई फोटो नहीं खींची. दरअसल बात यही है, मेरे आते ही आपने पूछा क्या हुआ बेटा, और मैंने कहा कि आपका बेटा ही बताएगा. बता दिया ना? मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, बल्कि तूने ही सब बता दिया. तू ही बोला था कुछ नया ट्राई कर, इसलिए मैंने ये प्लान किया. लड़की की फोटो खींचना गलत है, मैंने सॉरी बोलने के लिए बोला तो इसने सुना नहीं, बोला ही नहीं. बोला मेरे गांव आओ मैं देख लेता हूँ. अरे यार जब कोई गलती करता है तो इसमें मेरा गांव क्या और तेरा गांव क्या? चल अब डिलीट कर. करता हूँ. इसे वही मार सकता था, पर इसने जो गलती की है उसके लिए आपको अपने गाँव में सर झुकाना पड़ता. बहुत सालों बाद मेरे अपने आए हैं और उनकी बेटी को कोई छेड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. मैं झगड़ा करूंगा तो बड़े पापा दुखी होंगे और मैं दुखी करना नहीं चाहता. बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आवारा लड़कों के साथ घूमने से ये बिगड़ गया है, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा. अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप क्यों माफी मांगेंगे? तुम लोग जो गलती करते हो उसके लिए माँ बाप क्यों माफी मांगेंगे? समझ गया, बस सॉरी बोल दे, हम चले जाएंगे. सॉरी. हम लोग चलते हैं.
I'm impressed, honey. क्या कहा? I'm impressed, honey. Honey? ये कैसा नया नाम है? तुमने कहा था अगर किसी रिश्ते से पुकारोगे तो एक दूसरे में संबंध बन जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें हनी कह के बुलाया. चारों तरफ पोस्टर ही नजर आ रहे हैं. हाँ, वो तो हर जगह नजर आएंगे ही ना. पहले लोग घर पर आकर बोलते थे तो पोस्टर नहीं लगते थे, अब वो देखिए. लड़की जवान हो गई तो पोस्टर लग गया, बड़े बूढ़े चल बसे तो पोस्टर लग गया. अब वो भी देखिए, आपके खेत हरे भरे हैं तो उसके लिए भी पोस्टर लग गए हैं. जरा देखिए उधर. बेशरम. क्या हुआ? उस घर की तरफ क्यों देख रहे हैं? सुधा याद आ गई क्या? भूल कैसे सकता हूं. फर्स्ट लव है ना. ये क्या कर रहे हैं आप? चादर बिछा रहा हूँ. अरे ये चादर नहीं, मेरी साड़ी है. देखा ना, कहा था ना चादर की तरह साड़ी मत खरीदना. आपने ही खरीद के दी थी. मैंने तो बगल वाला खरीद कर देगा क्या? ये लो. दादी माँ, दादी माँ, जब पापा छोटे थे तो आप उन्हें कहानियाँ सुनाती थी ना, तो हमें भी सुनाइए ना प्लीज. एक राजा था और उसकी एक रानी थी. नानी माँ, नानी माँ, व्हाई डोंट यू टेल मी इन इंग्लिश? मुझे इंग्लिश नहीं आती बेटा. मम्मी, भैया का फोन. एक मिनट, आती हूँ माँ. थैंक यू. हाय बेटा, हाउ आर यू? बड़े पापा, शिवराम जी आए हैं. नमस्कार जी. सब ठीक तो है? पैसे देने आया हूँ. इतनी रात को? फसल बेचने के बाद 70,000 रुपए मिले, इसलिए देने चला आया. ठीक है, कोई बात नहीं है, दे दो. लो बाबू, नमस्कार. ठीक है. हे इंडियन मनी. हाँ. हाउ मच? हमारे देश में 70,000, लेकिन तुम्हारे देश में कम से कम $1,000. व्हाई दैट ओल्ड मैन गेव मनी टू आवर ग्रैंडफादर? क्योंकि अपनी जमीन पर वो लोग खेती करते हैं. ओके, दिस मनी इज फॉर वन डे. नहीं नहीं, 6 महीने का. ओनली $1,000 फॉर 6 months? Hey, इस गांव में इससे ज्यादा कोई सोच भी नहीं सकता. टू बैड. या हे, इधर आ. कम यार, कम कम. बच्चे को क्या सिखा रहा है तू? हाँ, बच्चों को इकोनॉमिक्स नहीं सिखाना चाहिए, इमोशंस, विश्वास सिखाना चाहिए. देखो बेटा, खेती बाड़ी इट्स नॉट अ जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. हाँ, ओके, जा. ओके. क्या बात है, तेरा नारियल का बिजनेस, उसका केबल टीवी का, यहाँ तो सब लोग बिजी हैं यार. हम लोग सिर्फ बिजी ही नहीं, हैप्पी भी हैं. दोनों में फर्क क्या है? अगर जरूरत से ज्यादा कमाओ तो बिजी. हाँ. और जितनी जरूरत हो उतना कमाओ. हाँ. हाँ. लाइफ सेट हो गई है तो शादी कब करोगे? Why are you laughing? Nitya, please tell me. क्या हो रहा है? वो क्या है ना? बोलने की जरूरत क्या है? देखिए ना, मेरी शादी का तुम लोगों ने मजाक बना रखा है. शादी मेरी हो रही थी, तेरी नहीं. चुपचाप बैठ. आजकल भी लड़की देखने जाते हैं क्या? लेकिन अब तो सब लोग लव मैरिज करते हैं ना. ऐसा क्या? क्यों भाई, किसी से प्यार करते हो क्या? इसने बहुत सी लड़कियों से प्यार किया लेकिन किसी ने घास नहीं डाला. इसके पीछे भी बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन इसने घास नहीं डाली. क्यों, सच में? अरे ऐसा कुछ नहीं है. क्या बात है, ये लव वव की बातें कर रहे हो तुम लोग? बस इन लोग के लव स्टोरी के बारे में पूछ रहा था. अरे इनकी कहां से होगी, लव स्टोरी तो सिर्फ तुम्हारी थी. पापा, बड़े भैया की लव स्टोरी? हाँ तो और क्या. अरे भैया बताइए, आपको बताना पड़ेगा. अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं. पापा को गड़बड़ करने की आदत है लेकिन झूठ बोलने की आदत. प्लीज बताइए. नहीं बताना पड़ेगा. अरे क्या आप भी? तुम लोग जोर देकर पूछो तो बताएगा. अरे बता रही है, बता भी दो ना. हाँ, प्लीज. भाई अच्छा चांस है, तू कैमरा रेडी कर, चल शूट करते हैं. हाँ बिल्कुल. बताना ही पड़ेगा. समझा, आप बोला. कुछ नहीं, बस ये लोग कुछ बात कर. हाँ चलो, बताने दो ना.
अच्छा वहां चल के बताओगे? वो कॉलेज के दिन हुआ करते थे मेरे। मैं एक दिन अपने फ्रेंड के घर जा रहा था, सडनली आकाश में बादल छाने लगे, धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। उस बारिश में मैं भीगा नहीं। वेट 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 अंकल, अभी आप ऐसे हैं तो जवानी में कैसे थे, हमें कैसे पता चलेगा? तब मैं इसकी तरह था। मेरी तरह? बिल्कुल इसकी तरह। एक मिनट ठहरो ठहरो, उस लड़की के बारे में आपको पता है ये तो ओके, लेकिन हमें नहीं पता है ना उस लड़की के रूप में किसको देखे हैं। तुम किसी को भी सोच सकते हो। दिल मिले दो दिल मिले शुरू हो गई आशिकी, तुम मिले तो फूल खिले तो महकी है जिंदगी। देवदार हुए हम, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है हम दम मेरे। दिल मिले दो दिल मिले शुरू हो गई आशिकी, तुम मिले तो फूल खिले तो महकी है जिंदगी। तेरी एक झलक के लिए बेचैनी सी है रहती, मुस्कुरा के तू जो देखे मुस्कुराती है जिंदगी। जिन राहों में तुम जो चलो फूल बिछा दूं मैं तो वहां, तेरे लिए दिल तो क्या मैं तो लुटा दूं सारा जहां। देता है दिल को मेरे सुकून तेरा मासूम चेहरा। दिल मिले दो दिल मिले शुरू हो गई आशिकी, तुम मिले तो फूल खिले तो महकी है जिंदगी। हाले दिल अपना लिख के खत में तुमको मैं दे दूं, प्यार की बेकरारी कैसे जुबान से मैं कह दूं। जब भी मुझे तुम मिलते दिल को मिले सुकून सा, सीने से मेरे तुम जो लगो दिल में जागे जुनून सा। तेरे मेरे दिल की है बस एक ही कहानी, यही हाल तेरा मेरा। दिल मिले दो दिल मिले शुरू हो गई आशिकी, तुम मिले तो फूल खिले तो महकी है जिंदगी। देवदास हुए हम, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है हम दम मेरे। आपने अपनी लव स्टोरी में कभी उस लड़की से बात नहीं की और ना ही कभी उससे मिले, क्यों भैया? तुम्हारी जनरेशन को जितना फ्रीडम है उतना हमारे टाइम पर नहीं था। मैं उस लड़की से प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद कभी आपको उससे मिलने का दिल नहीं किया? बहुत बार दिल ने कहा कि वो कभी मिले, फिर एक दिन अचानक गोदावरी नदी में लॉन्च में जाते हुए मैं उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वो क्या है ना, भगवान हर किसी को प्यार करने के लिए दिल देता है पर हर किसी को पहला प्यार नहीं देता, बहुत कम लोगों को देता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। नित्या, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग मंदिर जाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ मम्मी। चलो। पापा, माँ कहाँ है? माँ भूल गए। फोन कहाँ रख दिया? अरे हाँ,
हेलो। क्यों जी, मैं स्कूटर पे बैठी हूँ, देख नहीं सकते? तुम नहीं बैठी? अरे सुनिए सुनिए तो, सुनिए जी। मुझे लगा बैठ गई हो। भाई नाम और गोत्र बताइए तो पूजा करवा दो। रवि वर्मा, वशिष्ठ गोत्र। पुषम्मी नक्षत्र। भारती नाम है, वशिष्ठ गोत्र है पुब्बा नक्षत्र। कल्याण वशिष्ठ चित्रा नक्षत्रम। रम्या वशिष्ठ गोत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र। नित्या धनंजय गोत्र स्वाति नक्षत्र। शांति धनंजय गोत्र अरुंधति नक्षत्र। किशोर जमदग्नि गोत्र स्वाति नक्षत्र। अरे हमारे गोत्र और नक्षत्र के बारे में तुझे कैसे मालूम है राजू? इसमें इसका कोई बड़प्पन नहीं है, सब इनकी कृपा है। आपकी लाइफ में कौन सा दिन इम्पोर्टेंट था या नहीं, ये आपको पता ना हो पर बड़ी माँ को पता है। याद तो रहेगा ना, बड़ा बेटा कब पैदा हुआ था, पोता पोती कब हुए थे, ये याद रखना कोई बड़ी बात है? माँ जी, इस शुभ मौके पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए आप लोगों को सीताराम जी की पूजा करवाए तो शुभ फल मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है। क्यों भाई साहब, इस मंदिर में आए हुए हमें कितने दिन हो गए ना? क्या हुआ पिताजी, पैर में मोच तो नहीं है? कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो उठिए। आराम से आराम से आराम से। हाँ धीरे। डॉक्टर साहब आप घर पर रेडी रहिएगा, राजू आपको लेने के लिए वहां आ रहा है। राजू डॉक्टर साहब को आने के लिए बोला है, तुम लेकर आओ। ठीक है। पता नहीं सुबह उठकर किसका मुंह देखा था, देखिए तो पांव कितना सूज गया है। सीढ़ियां उतरते समय थोड़ा संभल कर उतरना चाहिए था ना आपको, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, सब लोग आए हैं इसलिए मंदिर चलेंगे, मैंने ही जिद की थी, सब मेरी वजह से हुआ, और चोट लगनी थी तो मुझे लग जाती। अरे रे मैं भूल गई, हल्दी का दूध रखा था, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी ये सब क्या है, पापा को जरा सी मोच क्या आ गई, आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, तो पापा आपको तलाक क्यों दे रहे हैं? ये क्या कह रही है तू, तलाक क्यों? मैं इनसे दूर क्यों रहूंगी? बनवारी। हाँ भैया। बच्चों को अंदर लेकर जाओ, जाओ बच्चों जाओ। हाँ दिव्या तुम भी जाओ। चलो नित्या सब लोग अंदर चलो 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 अंदर। ये क्या माँ, सुना है आप और पापा तलाक ले रहे हैं, पापा ने मेल करके बताया तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पापा ने मेल करके बताया तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पिताजी माँ को तलाक के बारे में पता नहीं है क्या? तो हमें बुलाने के लिए आपने झूठ बोला? इन्होंने झूठ नहीं बोला। तो फिर किसने झूठ बोला? ये मुझे तलाक कभी नहीं दे सकते, मैं इन्हें दे रही हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना जी, यही सच है ना? और इतने साल साथ रहे हैं तो एक दूसरे को चोट लगने पर तकलीफ तो होती ही है ना? त्योहार के बाद मुझे कौन अपने पास रखेगा, फैसला कर लो। Thank you.
पापा को जरा सी मोच के आ गई, आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? सुनिए जी, इस उम्र में दोनों तलाक ले रहे हैं, आपको तो पता ही है ना, भाई साहब को समझाते क्यों नहीं? समझाऊं? और मैं जो पूरे गांव को समझाते उन्हें मैं समझाने जाऊं? वैसे एक बात जान लो कि उन्होंने अगर कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ नहीं आई थी, तब मुझे लगा था कि आपके अलावा कोई नहीं, पर अब मुझे अपने बच्चों की जरूरत है। अगर आपने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, याद रखना। बड़ी माँ, कॉफी। थैंक्स। हाँ, टेस्ट कुछ अलग है आज। जब नई नई बातों का पता चलता है तो टेस्ट भी कुछ अलग हो जाता है। शक्कर कम होगी। लेकिन भैया, पापा तो स्ट्रांग है ना, माँ को किसी तरह समझा सकते थे ना, फिर क्यों नहीं समझाया? समझाते तो ये नौबत नहीं। अब करना क्या है? कन्विंस कीजिए भैया। कन्विंस करेंगे तो होंगे क्या? क्यों नहीं होगा भैया, जब अमेरिका जाना था तो बड़ी माँ को कन्विंस किया था ना। हाँ, किया था। आप ही बताओ, आपको लव मैरिज करना था, बड़े पापा को पसंद नहीं था, आपने कन्विंस किया था ना? हाँ, किया था। जब आप लोग अपने लिए उन्हें कन्विंस कर सकते हो तो उन्हें उन्हीं के लिए कन्विंस नहीं कर सकते? ट्राई कीजिए ना। हनी। हाँ। ये सब कुछ कहाँ सीखा तुमने? क्या मतलब? ये कन्विंस करने वाली बातें एक लड़की से सीखी है मैंने। अच्छा, तो लड़कियों से भी सीखते हो तुम? क्यों, तुम सीखना चाहोगी? आज ये गेटअप? जैसा देश वैसा भेस। जब मुझे यहीं रहना है तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। यहीं रहोगी? नहीं बताऊंगी। हाँ? Hey bro, your pics are so funny. मेरी फोटो बहुत फनी है। मेरी फोटो कैसे हो सकती है? ये फोटो नित्या, रुको नित्या, नित्या सुनो तो, तुम्हारी तो, अरे दो मुझे, दो पहले फोटोस दो नित्या, नित्या प्लीज बात करो, फोटोस दे दो मुझे नित्या। हाँ बोल। अब भाई बिजी हो क्या? काम। बोल यार। वो क्या है भाई, जिंदगी में पहली बार एड फिल्म कर रहा हूँ मैं, जो भी करता हूँ आपको बिना बताए नहीं करता ना। अभी मैं वेंकट के घर के पास हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ।
ए नित्या, मेरी पिक्चर दो नित्या, फोटोज दो नित्या। अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है। रिहर्सल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, अब एक्टिंग भी अच्छे से करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। लो, अपना भाई भी टाइम पर आ गया। भाई आ जाओ, हमने बस शूटिंग शुरू की। आखिर तूने ऐड भी करना शुरू कर दिया, अब जल्दी फिल्म भी बना देगा। बस एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिल्म भी बन जाएगी। क्यों रे, शुरू करें, रेडी हो ना, एक्शन। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। काट, 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 काट। एक दूंगा ना तो सर घूम जाएगा तेरा। डायलॉग इसको देखकर नहीं, इसकी आंखों में देखकर बोलो, समझी? रेडी, नीचे हो, नीचे हो। हाँ, बढ़िया से। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग नहीं आ रही है, अभी तक तो आ रही थी। ए राजू, ए वीपी, शूटिंग छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। वीपी मतलब? वीपी मीन्स वेरी पावरफुल। यहाँ किसी पर गुस्सा करो या किसी की तारीफ करो तो वीपी बुलाते हैं। अच्छा, समझी। भाई क्या है? आप कर दो ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। Come, hey, let's go. अरे ये एक्टिंग है भाई, आपको करना ही होगा। प्लीज भाई, let's do this. Zoom कर, zoom कर। करता। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में जो प्यार है, उसे शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे तो क्या, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। इस वक्त तो मुझे यहां लेकर क्यों आया? आप वहां देखिए। ये तो सुधा है ना? हाँ भैया, उसे यहां पर क्यों? जिससे प्यार किया उससे मिल नहीं पाए और उससे बात नहीं कर पाए, ये फील था ना आपको? एक बार इनसे बात कर लो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। वो क्या सुधा, मैंने उससे ये नहीं कहा कि वो तुम्हें यहां लेकर के आए। 25 साल पहले तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। तुमने अंकल को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। यू आर रियली ग्रेट हनी। मेरा ग्रेटनेस क्या है, भैया के बारे में बताते ही वो आ गई, वो ग्रेट है। और ये जो प्यार चीज है ना, यही सबसे ग्रेट है दुनिया में। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जब शादी हुई थी तो वो बैंक में काम करते थे। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मतलब? शादी के एक महीने बाद ही दिल्ली में उनका ट्रांसफर हो गया था। बोला घर मिलते ही तुम्हें पत्र लिखूंगा, लगता है अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है अब पत्र कभी नहीं आएगा और मुझे इंतजार भी नहीं है। आई एम सॉरी। किस लिए? जिससे प्यार किया था वो पति नहीं बन पाया, और जो पति बना उससे प्यार ही नहीं मिला। आप क्या कर रही हो तुम? जिन बच्चों की माँ नहीं है उन बच्चों की माँ बनकर बहुत खुश हूँ। ये क्या है? खीर है, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? जो इंसान मुझे बहुत पसंद हो उसकी पसंद नहीं भूल सकती। I'm really excited, honey. ऊपर lovers बैठे हैं और नीचे और नीचे कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हो तो बोल दो ना।
वो मैं। हाँ तुम क्या? वो मैं। भाई हो गया, हम लोग बहुत दूर आ गए, बोट को घुमा लूं क्या? चले वापस? हाँ घुमा ले घुमा ले। ठीक है भाई। चलती हूँ। बाय बाय। क्या है? देख पीछे जो सामान सब रखे हुए हैं ना, फावड़ा है, पौधे हैं, उन सबको निकाल के अंदर रख दे। हाँ चल। हाँ ट्रॉली कहाँ है? ट्रॉली कहाँ रह गई? अरे बारू साहब ट्रॉली तो रह ही गई। ट्रॉली खेतों में ही रह गई है लगता है, वापस ट्रैक्टर लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ भगवान ने किसान बनाया है, अगर रेलवे में ड्राइवर होते तो ट्रेन सड़क पर चलती, दिमाग नहीं है। मजाक उड़ाता है मेरा है, अकल नहीं है तुझे जरा भी? हाँ वो मैं ले लूंगा। बात करनी तुझे पता नहीं है? छोटे बड़े का जरा भी लेहाल नहीं है, तुझे तो अकल सिखा दूंगा मैं। अंकल जी। हाँ बेटी। आप वीपी अंकल हो ना? अगर आप इस तरह से लोगों को डांट रहे हो और वो फिर आप नॉर्मल हैं। रुको रुको रुको, तुम जाओ यहाँ से, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। पापा वो उसने कहा बीपी बढ़ गया, मैं बीमार हूँ। पापा उसकी नजर में बीपी का मतलब है वेरी पावरफुल, उसने तो बस यूं ही बोल दिया क्योंकि बोलना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ हाँ। तो अब से मैं अपनी पावर दिखाया करूंगा। कृष्णा, ए कृष्णा, अरे तेरे सारे बच्चे आ गए, पूरा घर एकदम से खिलखिला रहा है। अरे तू छोटा बेटा कल्याण है ना, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा चाचा हूँ, चिल्लारी राव। अरे वो देखे हुए बहुत दिन हो गए ना। तुझे भी देखे हुए बहुत साल हो गए। बेटी शांति तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ चाचा जी। हाँ, ये तेरी बेटी है ना? हाँ। बहुत अच्छी लग रही है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखूं? नहीं चाचा जी, ऑस्ट्रेलिया में ही रिश्ता देखेंगे, यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ये बात तो सही है, वहाँ कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। पूरे गांव वाले तेरा ही नाम लेते हैं, सुना है सबकी मदद करता है तू, अच्छा करता है। भाई साहब ने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या बात है, तुम अचानक आ गए? मुझे तुमसे मिलना था और इन्हें तुमसे बात करनी थी, बस इसीलिए आ गया। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई त्योहार पर आया हूँ, सोचा सबसे पहले तुमसे मिलूं। आ बैठ। उस दिन जो आपने समझाया था उसकी वजह से आज हम बहुत खुश हैं, वरना हम लोग गलत कदम उठाकर जिंदगी भर पछताते। क्या हुआ उनको, पिताजी ने क्या बोला? अभी शादी को एक साल भी नहीं हुआ और तलाक। हम दोनों की पसंद नहीं मिलती है, ये किसी भी बात पर एडजस्ट भी नहीं करती। तुम ऐसा कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैंने जैसा रहने को बोलती हूँ वैसा ये नहीं रहते, इससे बेहतर है कि हम लोग साथ में ना रह के एक दूसरे से अलग हो जाएं। ठीक है, वहाँ पर तुम्हारी नौकरी वगैरह सब ठीक चल रही है ना? कहाँ से ठीक चलेगी ताऊ जी, एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग जॉब से निकाल देंगे। और बेटी तुम कैसी हो, गांव से जाकर वहाँ खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ अंकल, गांव में सब कुछ आसानी से मिलता है लेकिन शहर में नहीं, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। गुड, एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना ही जीवन है। एक नौकरी जाती है तो दूसरी मिल जाती है, एक घर जाता है तो दूसरा मिल जाता है। जिंदगी में छोटी छोटी बातों को एडजस्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करोगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। शादी के वक्त जब सात फेरे लेते हैं ना तो सात वचनों को निभाने की बात की जाती है, ना कि तोड़ने की। पत्नी के बिना पति अधूरा होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, पति को पत्नी के हिसाब से रहना चाहिए, वही उसका धर्म है। मेरी बात सुनो, एक साथ मिल के रहो, उसके बाद भी लगे कि अलग होना चाहिए तो अलग हो जाओ। हाँ
अब देखो आज दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। दूसरों से तो मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर खुद तलाक क्यों ले रहे हैं? दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर बीमार नहीं होता? दूसरों के कष्ट में पूजा करने वाला पुजारी कभी कष्ट में नहीं आता? बात करता है ये भी। कृष्णा को कॉफी नहीं दी? उन्होंने छोड़ दी है। ओ भाभी जी, ये लड्डू लीजिए, इसे बहुत पसंद है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से आशीर्वाद लो, पैर छुओ इनके, जल्दी आओ। भाभी आप इधर आइए ना। अरे भाई मैं दादा बनने वाला हूँ, आओ भाभी आओ। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ। अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ। शांति, शांति। शांति जरा अंदर आओगी क्या बेटी? शांति रवि क्या है माँ? ये कैसे बोलो ना? हो सकता है, मैंने तुमसे कहा था ना। कुछ नहीं बेटा। देखो व्हाट इज दिस मोहन, अरे तुम 10 दिन भी मैनेज नहीं कर सकते क्या? यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आ जाऊंगा, तब तक संभालो। ओके भाभी जी, सारे बच्चे तो उधर हैं, आप इधर क्यों जा रही हैं? वो उधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, सब अपने काम में बिजी हैं। हेलो, लिसन टू मी, आई स्पोक टू मोहन राइट नाउ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। हनी बाहर जा रहे हो क्या? हाँ। मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो। अनंतपुर के सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, और आज के सुख समाचार हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुख समाचार नहीं, मुख्य समाचार होता है। हिंदी कब सीखेगी तू? चिल्ला क्यों रहा है तू? अरे इसे हिंदी सही से सिखाओ, या तो एंकर चेंज करो, नहीं तो मुझे ही चेंज कर दो। क्या श्रीदेवी तुम भी? करता हूँ करता हूँ। वो कर रही, चल तू शूट कर। ठीक से बोलने तो कैमरा फोड़ दूंगा। क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर? आप बोल देते मैं खुद वहाँ आ जाता। मुझे काम है तुझसे। आप बोलो बस, सारे काम हो जाएंगे। 4 दिनों के लिए टीवी से अपना केबल कट कर दें। क्या कहा, केबल कट कर दूं? आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? हाँ पता है मुझे यार, इतने दिनों बाद सब लोग आए हैं, त्योहार पर एक दूसरे से मिलने की बजाय टीवी और फोन पर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। लगता है मेरा धंधा बंद करवा के छोड़ोगे। देख भाई, टीवी सीरियल में जो इमोशंस होते हैं उसे सब दिखते हैं, लेकिन घर के इमोशंस कोई नहीं दिखता, इसलिए 4 दिनों के लिए केबल कट कर दे। भाई जिसकी शादी होती है उसके लिए सुहागरात इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह केबल ऑपरेटर के लिए त्योहार इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एड्स मिले हैं भाई, सबके सब चले जाएंगे। अरे मेरे हिस्से से काट लेना तू। ऐसा मत कहिए, ये सब कुछ आप ही ने बनवाया है। कर दे मेरे भाई। ठीक है, केबल तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन फोन का क्या होगा? सिग्नल पूरे गांव में ना पकड़े इसके लिए क्या करना है जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? मेरा सब्जेक्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर से बोलो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपको पता है ना? हम्म, फिर ठीक है, काम चल जाएगा। अनंतपुर के निवासियों को बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज से 4 दिनों के लिए आपके घर में केबल कनेक्शन नहीं आएगा। क्या केबल नहीं आएगा? केबल नहीं आएगा? केबल क्यों नहीं आएगा? वो क्या है कि सैटेलाइट को ग्रहण ने पकड़ लिया है। ग्रहण पकड़ लिया है? सूरज है या चांद है ये? क्यों, बस सूरज चांद को ग्रहण लग सकता है, सैटेलाइट ऊपर है, ऊपर उसे भी ग्रहण पकड़ सकता है, इसीलिए 4 दिन टीवी केबल नहीं आएगा। क्या सच में केबल नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे टीवी नहीं चलेगा तो मैं प्रोग्राम कैसे देखूंगा? अच्छा, नहीं देखेगा तो मर जाएगा। अरे भाई टीवी पर फैशन चैनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम लोगों की वजह से आज की जनरेशन बिगड़ती चली जा रही है। चल निकल यहाँ से, मारूंगा वरना। चल। क्या हुआ, तू उदास क्यों बैठी है? केबल बंद है, सीरियल नहीं आ रहा, मैं किसे देखूं? अरे तो क्या हुआ, मुझे देख लेना। पकड़ो 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 पकड़ो। ऐसे क्या देख रही है तू?
ए अनिल। यस ताऊजी। जा अपने दादाजी को बुला के ला। ओके ताऊजी। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, ताऊजी आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ? आज कितने दिनों के बाद हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं ना? याद है शाम होते ही हम लोग यहीं पर बैठकर गप्पे मारते थे और अब शाम होते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं। क्या है ये? देखो भैया सुबह से नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, सब कुछ बंद है। कुछ दिनों के बाद हम लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। वो तो है, सही कहा। जो पसंद है ले लो, ठीक है। इसकी पसंद जरूर अच्छी है। राजू तुमने एल्बम मांगा था कि दूध मांगा था? पापा मैंने एल्बम मांगा था। एल्बम? हनी हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मम्मी एग्जीबिशन में जाएंगे क्या? अरे वाह एल्बम। ए, पुरानी एल्बम है। मम्मी पापा की शादी का एल्बम है। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने फोटो कब निकाली थी? याद नहीं है बेटा। माँ ये फोटो याद है ना तुम्हें? शांति की तबीयत खराब थी तो हम लोग तिरुपति गए थे और वहाँ पर अपने बाल देकर आए थे। हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। मम्मी और पापा ने अपने बाल तो नहीं दिए थे। अरे इसे देखो। अरे हाँ वो याद है ना तुम्हें? ये देखो। Very nice. माँ ये फोटो देख रही हो ना, किस तरह से आप हम सबको खाना खिलाती थी वो सब कुछ याद है ना माँ? हमें वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं माँ। बीते हुए दिन ही अच्छे होते हैं बेटा। श्री इन हाँ? सारे बच्चों की जिम्मेदारी तू ले ले। हाँ? ए, बच्चा पार्टी जीप में बैठो चलकर। हनी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं भी साथ में चलूँ क्या? ठीक है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? डोंट वरी ओके। क्या हो गया भैया? फोन काम नहीं कर रहा है, दो दिन हो गए सिद्धू से बात नहीं हुई। माँ है ना बेटे की चिंता तो करेगी। आप फिक्र मत करो, दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? आओ नित्य चलो। ए नित्या। बोली मम्मी। तुम कहाँ जा रही हो? नानी अंदर कार में बैठी है, तुम भी बैठ जाओ। नहीं मम्मी मैं राजू के साथ बाइक पर जा रही हूँ, बाइक पर जाने में अच्छा लगता है। लेकिन बेटा जाने देना उसे, बच्चे हैं, बाइक से जाने दे, तू जा बेटा। थैंक यू ग्रैंडमा। हनी हाँ। चलें क्या? राजू हाँ, गाड़ी निकाल। चलो ठीक है बड़े पापा। बेटा तुम कार में बैठो। तुम पहले से ही आकर स्कूटर पर क्यों बैठ गई? फिर से तुम मुझे जल्दबाजी में भूल गए तो? ठीक है फिर भी तुम मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना। राजू तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाकर मेला दिखाओ। हाँ चलो तुम सब लोग मेरे साथ आओ। जी चलो। देखो मेले में तुम लोग जरा संभल कर रहना ठीक है? अरे भाई अरे तुम लोग कब आए? बस अभी आए। नित्या कैसा लगा हमारे गांव का मेला? इंटरेस्टिंग। हनी उस पर बैठे क्या? आज कौन सी शर्त लगा के जीतोगे? ये अपनी मुर्गी है, किसी भी तरह जीत जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे? हाँ। देखो इसको मैं चना गुड़ खिला खिला के पाल पोस रहा हूँ। चना गुड़ खिला के? हाँ। ये मेरे पाँव में बांधना था ना? हाँ? हाथ में क्यों बांध दिया? अगर कट जाता तो? अरे ठीक है ना, अब जाने भी दिया। कैसे जाने दूं? अगर मुझे कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल कौन लेके जाता मुझे? नहीं रहूंगा, सबको पता चलना चाहिए। देखो हाथ में चोट। इतना अच्छा संगीत सुनकर भी आपको डांस करने का दिल नहीं कर रहा? इडियट। मेरे जैसे कलाकार को हिम्मत देनी चाहिए और आप तो डांट रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
अंकल। ए, तू इस बच्ची को क्यों तंग कर रहा है? मैं तंग कर रहा हूँ? अरे भाई, मैं तो बस संगीत सुना रहा था। अब देखिए, इन्होंने ये गुब्बारे खरीदे और उससे खेल रहे हैं। मैंने इसे खरीदा, मैं इसे बजा रहा हूँ, तो गलत क्या है? तमीज से बात करो, बच्चों को तंग मत करो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बच्चे चाहे जो भी करें वो सही है, और हम अगर कुछ भी करें तो गलत। अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें छुआ क्या? बस थोड़ा सा ये बजाया ना। अब थोड़ी सी आवाज पे तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया, और जो मेरा कॉलर पकड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मेरे जीजा जी पे हाथ उठाएगा? ये श्री को छेड़ रहा था, ऊपर से जीजा जी पर हाथ उठाया। भाई, आपकी फैमिली ये नहीं जानता था। सॉरी बहन, सॉरी भैया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ए, चल रहे। भैया, अपनों में थैंक्स कैसा? हम लाख झगड़े करें, कोई अपनों पर हाथ उठाए तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं नहीं बैठ सकता। हम लोग बात नहीं करते हैं तो क्या हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे? अच्छी बात है, अपने दिल के अंदर के प्यार को दबाकर नहीं खुलकर जीना सीखो और मुस्कुराते रहो। मम्मी और अंकल की बात हो गई, सब लोग बहुत खुश थे। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ कहूँ क्या? हाँ बोलो। हाँ, जब से केबल कटा है समझ ही नहीं आता टाइम कैसे पास करें। या नहीं, वहाँ चलो। कहाँ पे? मैं ना। हाँ तुम? तुमसे। मुझसे? तुमसे। ओह शिट यार। भाई, अरे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पत्ते काट रहे थे। किस लिए? अरे अपनी गाय है ना। हाँ, उसे पत्ते खिलाने पड़ते हैं। ओह, घर पर टीवी चालू नहीं है ना, इसलिए सब लोग बड़े हॉल में आ गए। अच्छा। और आपको वहाँ बुला रहे हैं। चलिए। ओ, सब आ गए, तू जा, मैं आ रहा हूँ। तुम कुछ कह रही थी? मैं। हाँ तुम? अरे जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ, जा यहाँ से। बोलो। इस डिस्टरबेंस में तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी, बाद में बोलूंगी। भाई और बहनों, यहाँ आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। छोटे बड़े बूढ़े सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शूट करना स्टार्ट करो क्या? अनाउंसमेंट पूरी हो जाने दे। तो अभी आपके सामने डब्ड फिल्मों की तरह एक प्रोग्राम होगा, आपको एक सीन डब करना होगा उसी कलाकार की आवाज में। अब मैं इस बच्ची को बुलाऊंगा, आ जाओ बेटा। देखिए, इस बच्ची के हाथ में एक बॉल है, ये बॉल जिसके पास जाएगी उसे ही परफॉर्म करना होगा। फेंको बेटा। फर्स्ट आइटम रवि वर्मा जी। तेरे को और तेरे को और तुम सबको और तेरे को भी गांव के साथ गोद ले लिया है मैंने। भाई सुपर एक्टिंग, फंस गए आप। क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वेट करना हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो, और अगर नहीं होता तो हमें सजा दो, पर भगवान के लिए आप हमें भूलो मत। हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपसे, दया कीजिए हम पर। फोन करो गौतम, मुझे इसी वक्त पिताजी से बात करनी है। मैं उन्हें मिस कर रही हूं। मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कब किसकी मदद करना है वो बड़ी बात है।
अब अगला सीन आपके सामने पेश है, जूनियर एनटीआर कल्याण बाबू। फिर किसी लड़की को छेड़ा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नेक्स्ट आइटम। मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। तू सुन रहा है? हाँ मैं। तू अभी इसी वक्त मेरे पास आ जा। मैं अभी आता हूँ। खाना कहाँ से लाएंगे? पढ़े लिखे हैं तुम भी और मैं भी, 24 घंटे करेंगे क्या सिर्फ लड़ाई और झगड़ा? अगर हम दोनों शांति से रहें बस वही काफी है। जिंदगी में शादी बस एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। शादी तो दो दिलों को जोड़ने वाला रिश्ता होता है। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ। तो अगला आइटम पेश करने के लिए मैं बुलाऊंगा अपने प्यारे दोस्त बद्री और शुभ लक्ष्मी को, जो करेंगे ब्रह्मानंद की एक्टिंग। कल से कॉफी मांगूंगा तो हाथ में दोगी क्या? कहाँ जा रही है? प्लेट लेने जा रही हूँ। अच्छा तो मैं क्या करूँ? जब तक तू आएगी इसे वर्ल्ड कप की तरह पकड़ कर रखूँ क्या? इधर दीजिए। मुझे कोस रही है क्या? मैं तो क्या मैं नेक्स्ट फिल्म का सीन आपके सामने फिर से पेश करने जा रहे हैं मेरे सबसे प्यारे दोस्त राजू और कुमारी नित्या। तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए जानकी, हमारे इंदुमती की बेटी की शादी के कार्ड किसी को भी पता चले बिना ही मैंने अमेरिका भेज दिए। हाँ सच में? हाँ जानकी, तुम्हारी आंखों में खुशी की झलक देखे हुए काफी दिन हो गए। तुम्हारी वो खुशी भरी आंखें देखने के लिए ही मैंने अपने हाथों से शादी का इनविटेशन अमेरिका भेजा। क्या मेरे लिए? ये सब आपने मेरे लिए किया, मेरी खुशी के लिए किया। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे यार, यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ जी? वो इधर हम मम्मी पापा को मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते। टाइम वेस्ट है, यहाँ से जाना ही बेटर है। मेरी बात सुनिए, त्योहार के बाद पापा ने बात करने के लिए बोला है ना, तब बात करेंगे, अभी क्यों चिंता करते हो। जानकी जी, जानकी जी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। सीताराम जी की पूजा के लिए आपने मुझे शुभ मुहूर्त देखने के लिए कहा था ना, वो मैंने देख लिया है। कल बहुत ही शुभ दिन है, आप चाहे तो पूजा कर सकती हैं। इसमें क्या बात है, कल ही पूजा कर देते हैं पंडित जी। अभी नहीं रख सकते बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या बात है? बड़ी माँ काफी दिनों से राम और सीता की शादी करवाना चाहती थी। पंडित जी कह रहे हैं कि कल अच्छा दिन है, तो मैं कह रहा हूँ कि पूजा करवा लो। वैसे भगवान के काम हमारे बोलने से थोड़ी होने वाले हैं, वो चाहेंगे तो ही होगा। शायद भगवान आपके हाथों से करवाना चाहते हैं, क्यों बड़े पापा? ठीक है, होने दो। हो गया। पंडित जी आप काम शुरू कर दीजिए। जी भैया। हाँ। सुनिए, आप सारे गांव वालों को बोल दीजिए। हाँ। पापा चलो। आप फूलों का और मंडप का अरेंजमेंट करवा दीजिए। हो जाएगा। हाँ जल्दी। हाँ बड़ी माँ, आप चाहती थी ना कि राम और सीता की शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए, अब होगी। तन में तू, मन में तू, है तू ही मेरा संसार। रब है तू, सब है तू, तू ही मेरे जन्म का प्यार। तेरी लगन, तेरा नाम, तू जीने की आशा, तू ही है सहारा। तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू। जन्मों का साथी है तू,
दिया मैं बाती है तू, जन्मों का बंधन जीवन साथी है तू, पल पल पास है तू, मेरी हर आस है तू, इस जन्म का ही नहीं हर जन्म का प्यार है तू, मेरा सजन है तू, दिल की लगन है तू, दुख में भी सुख में भी साथ है तू, पास है तू, सबसे सुंदर है बस तू, मन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू। तुझे दिल से चाहूं, दिल में तेरे रहना चाहूं, तेरे साथ जीवन भर का रिश्ता चाहूं, दिल की बात कह दे अब तो, सपने पूरे कर दे अब तो, चलूं उस राह पे सदा जिस राह पे चले तू, प्रीत तुझसे लगाई, लगन तेरी लगाई, रिश्ता दिल से दिल का, सच्चा तेरा मेरा है ये, नाता सात जन्मों का निभाएंगे, तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू, तन में तू, मन में तू। ये पैसे कैटरिंग वाले को दे देना। ठीक है भैया, जल्दी आना। शाम को ना मैं तुम्हें बहुत अच्छी मेहंदी लगा दूंगी, ऐसे ऐसे करके, बहुत प्यारी। Really? हाँ, I will try. I have also tried it. So you have tried it before, right? ठीक है, तो हम दोनों मिलके ट्राई करेंगे। जिससे प्यार करते हैं उसे सिर्फ देखते नहीं रहते हैं, दिल की बात भी कहनी चाहिए, उसके लिए टाइम आना चाहिए। क्या पापा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ए, वो कुर्सी हटा। अच्छा, शादी की बात करने के लिए तो मेरे पास आओगे ना? सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया सासू माँ, बहुत दिन बाद ऐसा त्योहार देखा है। हाँ, सही कह रही है। ए, नित्या। हाँ मम्मी। मम्मी, ऑस्ट्रेलिया से निकलने से पहले इसने क्या कहा था पता? अगर मेरा दिल वहाँ नहीं लगा तो मैं तुरंत टिकट निकाल के ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाऊंगी, ऐसी कंडीशन रखी थी इसने। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये यहाँ ज्यादा हैप्पी है। मुझे क्या पता था कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, वो तो यहाँ के पता चला। तो अब क्या इरादा है? अब तो लगता है कि मैं जिंदगी भर यहीं पर रहूं। क्या बात है भैया, सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया? बताता हूँ। ए, तुम भी यहाँ पर आई हो? ये नहीं, मैं लेकर आया हूँ। शी इज इन लव विद यू, बट ये बात वो तुमसे कैसे कहे इसलिए बहुत टेंशन में है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसे प्यार करते हो। अरे ये क्या भैया, सुबह सुबह आप जोक मार रहे हो? जोक और मैं? नित्या से प्यार करूं और अभी मैं रिश्तेदार बोलकर बस थोड़ा सा क्लोज हुआ हूं, तो इससे क्या प्यार हो जाता है? और वैसे भी ये कहां और मैं कहां भैया? क्या नित्या, चार दिन हम मिलजुल कर रहे तो उसे प्यार समझ बैठी? पर तू तो इसे बहुत पसंद करता है। भैया, मुझे किसी भी बात पर कन्विंस कर लो, लेकिन प्यार के मामले में कभी मत करना, समझ गए? नित्या, अगर मेरी बातों से और व्यवहार से तुम्हें जरा से भी ठेस लगी हो तो रियली सॉरी। हाँ ठीक है ना नित्या? ए, सच बोल,
तूने नित्या से प्यार किया या नहीं? बहुत प्यार किया। फिर? प्यार करना हमारे हाथ में होता है, पर उसे जीतना हमारे हाथ में नहीं है। मतलब? राजू, ये नित्या का प्यार नहीं है, इनफैक्चुएशन है। किसी भी नई चीज को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ जो कुछ भी देख रही है उसे पसंद आ रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम यहाँ उसे 10 दिन से जानते हो, लेकिन मैं उसे 20 सालों से जानती हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है, लोगों की हेल्प करते हो, ये अच्छी बात है। बट नित्या से कोई उम्मीद मत रखना, वरना तुम्हें तकलीफ होगी और तकलीफ मुझे भी होगी। मैं भला आपको क्यों तकलीफ दूंगा, चांस ही नहीं है। जब आप यहां आई तो पता नहीं कैसे आई, लेकिन जाओगी तो खुश होकर ही जाओगी। तुम मेरी बात को इतने जल्दी समझ जाओगे, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था राजू। प्यार करने वाले इंसान को छोड़ना मतलब प्यार करना नहीं होता। घर वालों के खिलाफ नित्या से प्यार करना मुझे पसंद नहीं है। मैं शांति से बात करूंगा, तू चिंता मत कर, घर वालों को मैं कन्विंस करूंगा। सबको कन्विंस करने से बेहतर है कि मैं खुद को ही कन्विंस कर लूं। भैया जानता हूं तू अपने आप को कन्विंस कर लेगा, लेकिन तेरे बिना वो नित्या कैसे रह पाएगी बता। आप और सुधा भी तो प्यार करते थे ना, लेकिन आज आप कैसे रह रहे हो। भगवान प्यार करने के लिए सबको दिल देता है, पर पहला प्यार किसी किसी को ही देता है। मेरी किस्मत में ये प्यार नहीं। हाय नित्या। मैं ये सोचती थी कि तुम दूसरों का दर्द मिटाते हो, पर दर्द देना भी जानते हो, यह पता चला। आई एम इम्प्रेस्ड राजू, आई एम इम्प्रेस्ड। ये क्या बेटी, तुम इसे हनी की जगह इसके नाम से बुला रही हो? हनी बोलना मैं भूल चुकी हूँ, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ भी बोलूं क्या फर्क पड़ता है। बाय। क्या हुआ बेटा, नित्या ऐसे क्यों बात कर रही है? शांति, तुमसे बात करती उससे पहले मैं उससे बात कर लेता तो अच्छा रहता। हर बात में मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन तेरे प्यार में मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की बेटा। क्या पापा? आप भी? भैया, भाभी, दीदी, काका, जानते हो ये क्या है? जिसे माँ और पिताजी ने साइन करने के लिए लॉयर के पास भेजा था, ये वही नोटिस है। मैंने पहले ही कहा था ये मिलकर नहीं रह सकते, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। अब अपनी आंखों से देख लो। क्या बात है, बोलिए। बोलने के लिए क्या बचा? मेरी बात तो सुनिए। अब तक हम लोगों ने तुम्हारी हर बात सुनी है। ए, तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाके सामान समेट। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं? तुमने ही बोला था दोनों को मिलाने की कोशिश करो। कोशिश की? क्या हासिल हुआ? क्या क्या हम नहीं चाहते कि दोनों साथ रहें, खुश रहें? अरे दोनों अब तक तो खुश ही थे ना। किसने कहा हम खुश थे? हम खुश नहीं हैं, अब तो बस मतलब है। तुम पैदा हुए थे तब हम खुश थे, धीरे धीरे तुम जब तुम बड़े हुए तब भी हम लोग खुश थे, पर अब खुश नहीं है। कितने दिनों से तुम्हारी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम्हारी माँ के चेहरे पर झूठी मुस्कान देखी है, सच्ची मुस्कान कभी नहीं देखी। ये यहां तुम्हारे सामने जिंदा तो जरूर खड़ी है, लेकिन इसकी आत्मा तुम लोगों के पास है।
जब खाना खिलाने बैठती है तो मुझे कहती है, सुनो जी, ये सब्जी मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। जब आइसक्रीम वाले की गाड़ी घर के सामने से गुजरती है और बच्चे उसके पीछे भागते हैं तो कहती है, मेरा छोटा वाला इसी तरह भागता था। कोई भी लड़की मेहंदी लगवाने आती तो कहती, मेरी बेटी भी जब तक मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगवा लेती चुप नहीं बैठती थी। प्रतिदिन प्रति क्षण बस तुम लोगों की ही बातें करती रहती थी। तुम लोगों को बुलाओ तो तुम लोग आते नहीं थे। बोलो क्या करूं मैं? तुम लोग आते नहीं थे तो वो दुखी हो जाती थी, उसे दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाता था। मैं क्या करता? इतने दिन वो मेरे पास रही ना, अब से वो तुम लोगों के पास रहेगी। जब तक पत्नी रहेगी तब तक वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है, इसलिए ये सब किया। कम से कम बच्चों के साथ रहने की खुशी तो मिलेगी इसे। लेकर जाओ। ये क्या माँ, पापा इस तरह से बोल रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रही हैं? अब मैं क्या बोलूं बेटा, शादी होकर सालों गुजर गए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और आज तुम्हारे कारण मैं उनसे दूर हो रही हूं, और इसकी वजह तुम लोग ही हो। पर मैं जानती हूं कि वो मुझे गुस्से में तलाक नहीं दे रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूं। माँ तुम भी उन्हीं की तरह बोल रही हो, आखिर हमारी गलती क्या है? माँ जब हम दोनों एब्रॉड सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने खुशी से सहमति दी थी ना। माँ आप ही लोग चाहते थे ना कि हम लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। सुन लो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पर रहे, नाम कमाए, पर कितनी ऊंचाई पर? कितनी ऊंचाई पर? माँ बाप को बच्चे दिखाई न दे इतनी ऊंचाई पर? प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए तो व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, स्काइप पे बातें करते हैं। बेटा थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ही नहीं है। बहू, दो दिन तक तुम्हारे बेटे का फोन नहीं आया था तो तुम कितनी बेचैन हो गई थी, याद करो ना तुम। हाँ, तुम लोगों को इतने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे ये दिन दिखा रहे हो। देखो कंप्यूटर के बीच जी रहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें कैसे देखेंगे, वो सोचो। माँ बाप को अपने बच्चों के आने का इंतजार खुशी से करना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो, वो 10 दिन की खुशी में हम पूरे साल तुम लोगों की यादों में ही गुजार देंगे। पर तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे, हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे, वो दुर्भाग्य बन गया है हमारे जैसे माँ बापों का। हमारे हेडमास्टर प्रकाश राव मर गए थे, उनके बच्चे विदेश से नहीं आए, उनका दाह संस्कार किया जाए या नहीं, और फिर अनाथों की तरह उनकी लाश को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। कल की पूजा में पंडित ने क्या आशीर्वाद दिया कि 100 साल जियो। जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, और वो जीवन तभी मिल सकता है जब अपनों के साथ खुशी खुशी से जिया जाए तब। और अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। पापा हम लोग का भी दिल करता था कि आपके पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा, हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसके लिए 4 घंटा ज्यादा देने के लिए टाइम है, और जो तुम्हारे लिए आज जिंदा है उनके लिए साल के 4 दिन भी नहीं। बेटा अब हम लोग 5 या 10 साल तक और जिएंगे। बेटा तुम लोग साल में अगर एक बार भी आओ तो अपनी बची खुची जिंदगी में हम लोग 5 या 10 बार और देख पाएंगे। वो मौका तो कम से कम हमें दे दो। Thank you.
मम्मी। सॉरी पिताजी, हम लोग वक्त के साथ दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, एहसास ही नहीं रहा। स्कूल से आते वक्त कभी आधा घंटा लेट हो जाऊं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया से आने में मुझे इतनी देर हो गई, मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज। जब मैं गणित में नंबर 1 आता था तो आप मुझे शाबाशी देते थे, तब लगता था कि गणित ही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी का गणित मैं नहीं पढ़ पाया। आई एम सॉरी पापा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें। अब हम भी रहेंगे, हमारी वजह से आप लोग अलग मत होइए, प्लीज। प्लीज आप वो नोटिस वापस ले लीजिए। वो बात बड़े पापा को पता ही नहीं। वो नोटिस मैंने भेजा है। तू पागल तो नहीं हो गया बेटा? तूने उन्हें क्यों भेजा? ताकि इन दोनों का दर्द ये लोग समझ सके। आप दोनों ने घर में बात करना बंद कर दिया था। आप लोग घर में खामोश घूम रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जब से होश संभाला है आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। लाइफ में फर्स्ट टाइम नदी के किनारे आपकी आंखों में आंसू देखे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गांव में कोई प्रॉब्लम हो तो लोग आपसे कहते हैं ना, तो आप अपने दिल का दर्द किसको बताएंगे? आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, इसलिए मेरे दिल में बहुत दुख हुआ, इसलिए ऐसा किया। मुझे माफ करना। बड़े पापा बड़ी माँ, आप लोगों की कोई जायदाद नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी खुशी मांग रहे हैं। अगर ये आप इन्हें दे देंगे तो ये लोग भी खुश और हम लोग भी। सबकी खुशी के बारे में सोचने वाला अपना दुख क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या दुख है? जिस लड़की से प्यार करता है उसे दूर होकर दर्द नहीं होगा? नित्या से प्यार करता है, ये बात तूने क्यों छुपाई? प्यार सिर्फ नित्या का ही नहीं है ना, आप लोगों का भी प्यार है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो, जो इसे दामाद स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया। आप लोग अपनी खुशी जायदाद और पैसों में ढूंढते हो, पर ये 10 लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारा इससे दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबका भला चाहता है। इतना बड़ा दिल है इसका, ऐसा दामाद तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। प्यार की कीमत मैं जानती हूं, लेकिन तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाई। सॉरी राजू, हमारी नित्या से शादी करोगे? क्यों बेटी, तुमने राजू से प्यार किया है, उसी से शादी करोगी, हैप्पी ना? मैं राजू से प्यार करती हूं? किसने बोला? अगर ये मुझसे प्यार करता तो मुझसे बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या हुआ, अभी बोल देगा ना ये? बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ बोलू। मुझे हनी कहकर बुलाओगी? बुलाऊंगी। ये हुई ना बात, आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा देते हैं। रुक रुक रुक, जल्दबाजी मत कर। इनकी शादी कब करना है, कैसे करना है, मुझे पता है। और
अनंतपुर में मकर संक्रांति का उत्सव शुरू हो चुका है, जहां श्री कृष्ण मूर्ति जी ने अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई। नमस्ते संधि जी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। पिताजी आप यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कृष्णा जी ने बताया कि सब लोग मिलकर त्योहार यही मनाने वाले हैं, तो मैं भी आ गया। अरे उधर मैं अकेले रहता तो इसने कहा कि साथ में मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। त्योहार का मतलब सब लोगों को मिलकर मनाना चाहिए, कोई उधर है तो कोई इधर है। आइए चलिए। सुनिए, सब लोग सुनिए, मैंने जो रंगोली बनाई है उसे आके देखिए। कहाँ है रंगोली? साहब जी मुझे लगता है उन्हीं का काम है। ये ड्रम बीच पे रखकर कौन चला गया? अरे हटो, तुम लोग क्या देख रहे हो, हटो। पिताजी पिताजी होली कब है? 3 महीने के बाद। ठीक है, उसके 4 दिन पहले हम यहाँ आने का प्रोग्राम बना लेंगे। भैया आप भी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ आने का प्लान बना लूंगा। हम लोग भी होली पर आएंगे क्या? ऑफ कोर्स जरूर आएंगे। अगर 3 महीने के बाद आना ही है तो मैं फिर यहीं पर रह जाती हूँ। यहाँ रहूंगी तो बहुत कुछ सीख जाऊंगी ना मम्मी। रहने देना बेटी, जब तक तुम लोग होली पर आओगे तब तक इनकी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे।